टीआरएस कॉलेज के अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे उच्च शिक्षा जेडी के पास। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में से एक है रीवा का टीआरएस कॉलेज। यहां पर पढ़ने वाले अतिथि विद्वान अपनी मांग को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के पास पहुंच गए। इनका कहना है कॉलेज ने एक ज्ञापन निकाला है, ऐसा लगता है उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कॉलेज के जिम्मेदारों का कहना है अभी तक किसी को नहीं निकाला गया। अतिथि विद्वानों का कहना है हमें ऐसा लगता है हमें निकाल दिया गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं दोनों पक्षों का क्या कहना है। नहीं, शासन ने एक शब्द माना होकर लिख के हम लोगों को दे दे कि नहीं माने लिख के नहीं माना जाएगा। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं इस संदर्भ में कि गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज में अतिथि विद्वान स्वीकृति और जनभागीदारी के लिए नया आमंत्रण निकाला गया है, ऐड निकाला गया है एग्जैक्टली, जो कि नियम विरुद्ध है, शासन के नियम विरुद्ध है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और उच्च न्यायालय जबलपुर के हिसाब से यहाँ पर हमने अपना ज्ञापन दिया है कि हम लोगों का विज्ञापन निरस्त किया जाए, हम लोग जैसे हैं उसको एज इट इज़ उसी तरह की से रखा जाए। साथ ही साथ जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि क्या कहते हैं मध्य प्रदेश शासन ने एक पत्र दिया है, अभी उस पत्र का उल्लेख वहाँ शासन में उसमें दिया जा चुका है ज्ञापन में कि क्या कहते हैं इनको एज इट इज़ अभी रखा जाए पूरे सेशन में, जबकि इन्होंने हम लोगों को निकाल दिया गया है। और हम लोगों को ये अतिथि विद्वान मानने से भी मना करते हैं, एक दूसरा पॉइंट भी है ये, तो इस पर कृपया फोकस किया जाए कि हम लोग भी उसी प्रकार से अतिथि विद्वान हैं जैसे लोग अतिथि विद्वान अग्नेस्ट रेगुलर पोस्ट है उस तरीके से मानते हैं, जबकि कोर्ट ने भी कह दिया है। कोर्ट ने भी कहा है कि क्या कहते हैं हम लोग अतिथि विद्वान हैं। तीसरी चीज़ अभी सर आप लोग मतलब जाने वो हुआ कि क्या कहते हैं अंदर ये बोल रहे थे कि हम लोग इनको निकाले नहीं है, एज इट इज़ रखे हैं, तो जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों का आज से साइन बंद हो चुका है, आज से निकाल दिया गया, आज से हम लोगों को निकाल दिया गया है, और जबकि कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। कोर्ट केस की अवहेलना भी की गई है, कोर्ट ने कहा जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती इनको यथावत रखा जाए। इन सब चीज़ों को देख के ये समझ में आता है कि ये सब मनमर्जी अपने हिसाब से चल रहे हैं, ना तो ये शासन के नियमों को देख रहे हैं बल्कि उनकी अवहेलना कर रहे हैं, साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, और हम लोगों का जो मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है वो अलग। कुल ऐसे कितने शिक्षक होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं इस तरीके से? करीबन 232 शिक्षक हैं स्वीकृति और जनभागीदारी भी, जो सभी इस प्रक्रिया से प्रभावित हैं। टीआरएस कॉलेज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वीकृति और जनभागीदारी शिक्षकों के नए आवेदन लेने के लिए ज्ञापन जारी किया गया है, और इसके विरोध में आज स्वीकृति जनभागीदारी शिक्षकों ने ज्ञापन दिया हुआ है। उसमें उनकी मांग है कि ज्ञापन वापस लिया जाए और हम लोगों को ऐसे ही नियमित रखा जाए। पहली बात यह है कि किसी को निकाला नहीं गया है, सिर्फ ज्ञापन जारी किया गया है, और जो इन्होंने हमें पुराने कुछ पत्र दिखाए हैं उसका संदर्भ लेते हुए हम आयुक्त महोदय से मार्गदर्शन मांगेंगे। यदि आयुक्त महोदय कहते हैं कि ज्ञापन वापस ले लिया जाए तो तत्काल वापस ले लेंगे, बाकी किसी को निकाला तो गया नहीं है, वो सब अभी हैं लगातार हैं। तो ज्ञापन को समझने का क्या नजरिया था कि इन्होंने आंदोलन शुरू किया? अब आंदोलन इनका हक है करना, हर व्यक्ति का अपना हक है आंदोलन करना। इनकी बात सुनते हुए हम एडी साहब से हम बात करने का प्रयास करेंगे, अभी हमने किया बात तो बात हो नहीं पाएगी, उनसे भी बात करेंगे, और आयुक्त महोदय को आज ही हम एक पत्र मार्गदर्शन के लिए लिखेंगे। जो भी हमारे अधिकारियों का निर्देश होगा उस पर तत्काल अमल किया जाएगा। जो ज्ञापन निकला उसमें भी नीचे लिखा हुआ है कि शासन का जो दिशा निर्देश होगा उस पर पूर्णतः विचार किया जाएगा, कार्रवाई।